नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है नो कैड सीएई चैनल में। तो अभी क्या था कि थोड़े से कुछ पर्सनल रीजन से हमने उसमें थोड़ा सा डिले किया है, आपके लिए मैं क्विज भी नहीं प्रिपेयर कर पाया और साथ के साथ ऑटो कैड ट्रेनिंग वीडियोस भी कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। तो अब हम आ गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी ने, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने आयरन मैन मूवीज देखी होंगी। आयरन मैन मूवीज में आपने देखा होगा कि एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे तो हम होलोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं बनाते हैं, लेयर्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। हमारा जो टारगेट है आज यहाँ पे, अभी हमारा टारगेट क्या है कि हम लेयर्स सीखेंगे। लेयर्स मतलब उसमें आपने वीडियो में देखा होगा, वो ये कहता है कि यहाँ से ट्रीज हटा दीजिए, यहाँ से पार्किंग एरियाज हटा दीजिए, यहाँ से वायरिंग हटा दीजिए, यहाँ पे ये सारी चीजें। तो जो चीजें मतलब उसको रिक्वायर्ड थी वो देखता है, और जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है वो उसको वहां से क्या करता है, रिमूव करने के लिए कहता है। तो सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारी लेयर्स कमांड होती है। लेयर्स कमांड में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक सिविल की ड्रॉइंग है, आप कोई सिविल की ड्रॉइंग बना रहे हो। आप जब बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग में आपका ब्रिक्स की वॉल होगी, ब्रिक्स की वॉल के साथ साथ वाटर फ्लो के लिए पाइपलाइन होगी, इलेक्ट्रिसिटी जाने के लिए हर जगह पे वायरिंग्स होंगी, इलेक्ट्रिक बोर्ड होंगे, ट्यूब लाइट्स होंगी, फर्श होगी, और कारपेंटर के लिए विंडोज होंगी और गेट्स होंगे। तो ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। तो अगर कारपेंटर हमारा काम करने के लिए आ रहा है तो उसको घर की दीवार से, पानी की प्लम्बिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको केवल काम किस पे करना है, कारपेंटर आएगा तो जहाँ पे लकड़ी की चीजें लगती हैं, जैसे उस गेट है, विंडोज है, आपकी अलमीरा है, आपके बेड है, केवल ये चाहिए उसको। उसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहाँ से हुई है, पाइप कहाँ से गया है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो जो डिजाइनर होता है, जब उस डिजाइनर क्या करेगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाएगा और उसमें सारी चीजें जो है अलग अलग लेयर में बनाएगा। एक लेयर में वॉल्स बनाएगा, एक लेयर में विंडोज बनाएगा, एक लेयर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाएगा, इसी तरह से वो क्या करेगा, अलग अलग लेयर में बनाता चला जाएगा, और जो चीजें उसको चाहिए वो शो करेगा और जो चीजें उसको नहीं चाहिए वो उसको हाइड कर देगा। इसका मतलब लेयर्स हमारा क्या काम करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंटेनर्स में रख देता है। और वो कंटेनर्स क्या होते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। जो कंटेनर हमें नहीं देखना है आप उसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये जो आपकी लेयर्स कमांड है एंड जो ब्लॉक कमांड है, ब्लॉक में क्या होता है, कुछ बने बनाए ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वीडियो में मेरा टारगेट है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि व्हाट इज लेयर एंड व्हाट फंक्शनैलिटी इट हैज, इसका मतलब क्या लेयर में क्या क्या चीजें होती हैं और ये इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो साथ के साथ मैं क्या करता हूँ, आपको एक वन नोट विंडो ऑन करता हूँ। वन नोट विंडो में क्या करते हैं हम लोग, जैसे प्रीवियस करते रहे हैं, वन नोट विंडो में हम सीखते हैं कि हम लोग क्या क्या टूल्स हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटो कैड ट्रेनिंग वाले मॉड्यूल में आ गए और यहाँ से हमने एक नया पेज बना लिया। तो ये पेज आपको दिखेगा, यहाँ पे हम साथ के साथ क्या करते हैं, लिखते जाते हैं कि क्या क्या हम सीख रहे हैं। तो आप देखोगे तो आज हमारा जो हम करेंगे, आपको लेयर्स कमांड करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेयर्स कमांड। साइज थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका बड़ा कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे लेयर्स कमांड। तो आज का हमारा एम है लेयर्स कमांड। आप अगर इंटरफेस की हम बात करें तो इंटरफेस में आप देखोगे ये ड्रॉ है, मॉडिफाई है, एनोटेशन है, और ये थर्ड जो है ये वाला ऑप्शन आपके पास लेयर्स है। तो इसमें कुछ चीजें आपको सामने ही दिख रही है और कुछ चीजें इसमें क्या है, हिडन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लोटिंग में भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमने इसको फ्लोटिंग में ले लिया। तो इसमें जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक बेसिक ऑब्जेक्ट आपके लिए बनाऊंगा, फिर अगले में जब इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा तो मैं क्या करूंगा, एक घर का जो है
आपको प्लान बना के दिखाऊंगा कि उसमें विंडोज कैसे बनाते हैं, उसमें खिड़कियां कैसे बनाते हैं, उसमें बेड कैसे ले आएंगे, उसमें रेफ्रिजरेटर कैसे ले आएंगे, बाथरूम की सिंक्स कैसे ले आएंगे। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो हमारा अभी का टारगेट है वो ये है कि लेयर्स हमारा क्या काम करती है। तो आप देखेंगे ये लेयर्स हैं, यहाँ पे ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये अलग से विंडो है, यहाँ पे देखोगे ये अलग से एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली लेयर जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं, अगर मैं इसको आगे क्लिक करूँ एरो, तो ये आपको दिख रही होगी जीरो लेयर। इसका मतलब आपने अगर कोई नई लेयर क्रिएट नहीं की है तो वो क्या होगी, एक जीरो लेयर होगी। तो जीरो लेयर का मतलब आपने कोई नई लेयर क्रिएट नहीं की है, और बाय डिफॉल्ट जो लेयर होती है वो आपकी क्या होती है, जीरो लेयर होती है। अब जीरो लेयर में मैं क्या करूंगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा। आपको रेक्टेंगल बनाना आता है, मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड लेकर के रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। आपको सर्किल बनाना आता है, हमने सर्किल लेकर के कुछ सर्किल्स बना दिए, ये आपकी क्या है, जीरो लेयर है। मतलब ये जितनी भी ड्राइंग्स आपकी बन रही है ये क्या है, जीरो लेयर है, ठीक है। ये जितना भी हमने बनाया ये क्या था, आपका जीरो लेयर था। तो ये आपकी ये क्या है, ये लेयर के कंट्रोल्स है। तो अभी आप देखेंगे अगर स्क्रीन पे मैं क्या करूं, आप देखेंगे तो क्या हम कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर लेयर टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपको लेयर का कंप्लीट टूल बार देखना है तो आप क्या करोगे, लेयर टाइप करोगे, एल ए वाई ई आर। जैसे ही आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो एक आपकी लेयर मैनेजर नाम से विंडो आ जाएगा। तो ये क्या था यहाँ पे, ये आपकी लेयर मैनेजर है, और ये क्या है, लेयर के कंट्रोल्स हैं। तो जो ऊपर टूल बार आपको यहाँ पे दिखता है ये आपके लेयर के कंट्रोल्स हैं, और ये क्या है, उसका कंप्लीट टूल बार है। इसका मतलब ये जो आपको बड़ी सी विंडो दिख रही है इसी का कुछ हिस्सा यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अभी क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीरो लेयर है, और जीरो लेयर में हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, पहली जो आपकी आएगी वो आपकी जीरो लेयर रहेगी, जीरो लेयर ये आपकी डिफॉल्ट लेयर होती है, डिफॉल्ट लेयर ये आपकी डिफॉल्ट लेयर है, ये बाय डिफॉल्ट वहां पे रहेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, एक नई लेयर क्रिएट करते हैं। यहां पे आप देखोगे आपका ये टूल बार जो आएगा, यहां से मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, यहां पे एक स्निप आपके लिए ले आता हूं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मैं उसको जूम कर दूंगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। स्क्रीन क्लिपिंग हमने ली और यहां से ये थोड़ा सा हिस्सा हमने क्या किया, क्लिप कर लिया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइज बड़ा करके देखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्लियरली विजिबल होंगे। अब आप यहां पे अगर देखें तो ओके, पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है आपके लिए, न्यू लेयर। न्यू लेयर का मतलब होता है यहाँ से आप नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं, न्यू लेयर। तो यहाँ स्टडीज पे बेसिकली फोकस नहीं करना है, मेरा काम एक टीचर की तरह से पढ़ाना नहीं है, मैं आपको करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन आपको ये जल्दी जल्दी मैं ये बता देता हूँ, ये आपका क्या है, न्यू लेयर है। इसके बाद आप देखोगे ये दूसरा जो आपके पास है ये आपका फ्रीज लेयर है। फ्रीज लेयर का मतलब लेयर को आप ब्लॉक कर देना चाहते हैं, उस पर कुछ दिखे ही नहीं, तो ये फ्रीज लेयर होती है। ये क्या होता है, क्रॉस लगा हुआ है, ये आपका है डिलीट लेयर, कोई लेयर आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, डिलीट लेयर। और ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है ये आपका क्या है, ये है आपका मेक लेयर करेंट। इसका मतलब जिस लेयर को आप सेलेक्ट करके मेक करेंट कर दोगे आप उसी में स्केचिंग करने लगोगे। इसका मतलब कई सारी अगर लेयर्स हैं तो जिस लेयर को आप सेलेक्ट करके मेक करेंट कर दोगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी करेंट लेयर हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं ऑटो कैड इंटरफेस पे चलूं, ऑटो कैड इंटरफेस पे यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, इनके ऊपर आप जाओगे
ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा न्यू लेयर, आप उससे जो है नया लेयर बना सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा न्यू लेयर आपको करना है, वो फ्रीज स्टेट में आएगी, और ये आपका डिलीट लेयर है, और ये मेक दिस लेयर करेंट है। तो अभी मुझे फ्लोर प्लान बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताते जाता हूँ कि आपको कैसे कैसे लेयर्स बनानी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक नई लेयर क्रिएट करूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने प्लस किया, यहाँ आप देखोगे लेयर वन आ जाएगा। लेयर वन को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वहां पे आप देखोगे मैं वॉल्स क्रिएट करता हूँ। अगर किसी को घर का प्लान बनाना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वॉल्स क्रिएट करेगा। तो इस लेयर का नाम मैं क्या रखूंगा, वॉल्स, डब्ल्यू ए एल एल एस। ये क्या हो गया, आपकी वॉल्स हो गई। ये एक लेयर आपने क्रिएट कर दी। और लेयर आपको चाहिए तो आप यहां से प्लस करिए, और जो दूसरी लेयर मैं बनाऊंगा उसको मैं क्या कहूंगा, विंडोज कहूंगा। ठीक है, ये आपकी विंडोज आ जाएगी। तो अभी आपको लर्न करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ भी चीज बनाऊंगा। मतलब वॉल्स अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब अभी मैं आपको जो स्केच बनाएंगे वो तो अगले लेक्चर में बनाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाएंगे आपको कि कैसे आप हाइड एंड शो कर सकते हो, और क्या क्या फंक्शंस आप लेयर्स के साथ कर सकते हो। तो ये हो गया वॉल्स एंड विंडोज। एक और नई लेयर आपको बनानी है तो नई भी कर दीजिए, और इसमें आप लिख दीजिए ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब जैसे आपको बेड कहीं से लेना है, ठीक है। साथ के साथ आप कहीं टेक्स्ट लिखते हो तो यहाँ पे एक नई लेयर बना दीजिए, आप उसको क्या कह सकते हो, टेक्स्ट कह सकते हो, कि आप वहां उसमें टेक्स्ट लिखोगे। एक नई लेयर बना दीजिए जिसमें डायमेंशंस हो। कभी कभी क्या होता है, हमें डायमेंशंस नहीं चाहिए, हाइड करनी होती है, तो आप एक नई लेयर आप बना दोगे डायमेंशंस की। तो इस तरह से आप लेयर्स बना सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं कितना भी बड़ा कर दूंगा तो क्या रहेगा, ये साइज इतना ही रहता है, इसलिए अगर कभी जूम करना होता है तो हम दूसरे विंडो में जाके करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लेयर का कमांड आ गया। अब लेयर की यहां के कमांड के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा इन लेयर्स के आगे। अब देखिए, जिस लेयर को डिलीट करना है, सपोज हमको डायमेंशन लेयर नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहां से क्रॉस पर क्लिक करूंगा, ये डायमेंशन लेयर हमारी डिलीट हो जाएगी। तो यहां से आपको नई लेयर एक क्रिएट करनी पड़ेगी, किसके, डायमेंशंस के लिए, जो हमने डिलीट कर दी थी। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आपका कंट्रोल जेड वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये लेयर्स आपकी आ गई। तो इतनी लेयर्स हमने बना रखी है, अगर कोई लेयर डिलीट करनी है तो डिलीट करनी है। सपोज आप जो है, पहले तो आपने जीरो लेयर में काम किया, ये आपकी जीरो लेयर थी सारी, जो हमने जितनी भी चीजें बनाई हुई है। अब जो दूसरी लेयर होती है वो आपकी डायमेंशन लेयर है। अगर इसमें हमें काम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और मेक दिस करेंट कर देंगे। पहले देख रहे थे जीरो वाले पे टिक लगा हुआ था, अब जो है डायमेंशन वाले पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब करंट लेयर आपकी कौन सी है, जिस पे टिक लगा हुआ है, ये डायमेंशन लेयर है। अब इस डायमेंशन लेयर में हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लेयर में हम डायमेंशनिंग डाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, डायमेंशन लिया, और ये जो है इसकी हमने डायमेंशनिंग कर दी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ डायमेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। एस्केप करके आपको साफ साफ दिखे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इनका साइज वगैरह बढ़ाना मैंने क्या किया था, आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू बताया था। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज के थ्रू जाएंगे, आप टेक्स्ट में जाएंगे, जो टेक्स्ट की हाइट है उसको क्या करिए 10 times बढ़ा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 10, जब आप 10 कर दोगे तो इतना बड़ा दिखने लगा, अभी भी काम नहीं चल रहा है, इसको 20 कर दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अपने डायग्राम को भी छोटा करके देख लेते हैं, अभी भी क्लियरली विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को और भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 20 की जगह पे हम 40 कर देंगे। पे भी अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट 40 पे अगर क्लियरली विजिबल ना हो इसको 80 कर देंगे, 80 करने से इतना बड़ा दिखने लगेगा। और इसको क्या करना है, अबव ना रख के सेंटर में रखते हैं, तो सेंटर में रखने से क्या होगा, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये आपका आ जाएगा। और प्राइमरी यूनिट्स में जाके इसका प्रिसीजन हम क्या करते हैं, प्राइमरी यूनिट्स में आपको प्रिसीजन मिलता है, जो 00 है इसकी जगह पे हम 00 कर देते हैं, तो इससे
2478 इसका आ जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, ये डायमेंशन होगी। अभी इसका हमने एरो साइज नहीं चेंज किया है, एरो साइज भी आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लाइन्स एंड एरोज में आओगे तो यहाँ से एरो साइज को क्या कर देना है, इसको भी 80 ये ध्यान रखना है, उसी के रेशियो में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमने क्लियरली विजिबल हो गया। और भी डायमेंशन ये ध्यान रखना है कि अगर हमने डायमेंशन लेयर एक्टिवेट कर दी तो जो भी काम हम करेंगे वो आपकी डायमेंशन लेयर में जाएगा। ठीक है, तो अभी जितनी भी डायमेंशन मैं करते जा रहा हूँ ये सारी आपकी किस में आएगी, डायमेंशन लेयर में आएगी। आपको ये सर्कल की डायमीटर चाहिए, ये सर्कल की डायमीटर आ जाएगी, ये सर्कल की डायमीटर चाहिए तो क्या होगा, इस सर्कल की डायमीटर आ जाएगी, और इस सर्कल की डायमीटर चाहिए तो आपको इस सर्कल की डायमीटर आ जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डायग्राम है उसको हम बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये सर्कल की डायमीटर आ गई। अब मैच प्रॉपर्टीज का यूज करना सब कुछ पता ही है, मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, इसकी तरह से मैच करना है, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जितना काम हमने किया ये हमने सारा किया डायमेंशन लेयर में जाकर। ठीक है, तो ये आपकी डायमेंशन लेयर हो गई। अब देखिए इनके साथ हम ऑपरेशंस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो इतनी सारी चीजें आपके पास है, और इनमें भी कुछ चीजें आप चाहे तो और एक्सपेंड कर सकते हैं। इधर डिस्क्रिप्शन है, इधर ट्रांसपेरेंसी है, लाइन वेट है, ठीक है, इधर लाइन टाइप है, और इधर लाइन का कलर। इसका मतलब, इसका अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगी, ये मैं डायमेंशन वाली लेयर को यहाँ से अलग ले रहा हूँ, और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको दिखेंगी यहाँ पे। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ड्रॉ से हटा करके। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया और यहाँ आ गए। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी हम क्या करेंगे, लेंथ भी इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्लियरली दिखने लगेंगे। ये आपकी डायमेंशन लेयर है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको सबसे आगे कि यहाँ पे बल्ब दिख रहा है। बल्ब का मतलब क्या होता है, कहीं रूम में अगर आप बैठे हो, आपने बल्ब ऑफ कर दिया, तो बल्ब ऑफ करने पे क्या होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जिस लेयर में ये बल्ब आपको येलो दिख रहा है, इसकी दो स्टेट्स होती हैं, एक आपका येलो स्टेट होगा जब आपको येलो कलर में वो दिख रहा होगा, उस टाइम पे वो ऑन है। अगर येलो कलर है तो ऑन, अगर व्हाइट कलर है तो ऑफ, व्हाइट कलर। तो ये दो चीजें इसके लिए हो सकती हैं, एकदम रियलिस्टिक जैसे रियल लाइफ में होता है कि अगर बल्ब जल रहा होगा तो येलो कलर की रोशनी देगा, बल्ब नहीं जल रहा है तो वो व्हाइट कलर का बल्ब जैसा हो जाएगा। इसको मतलब लाइटिंग कंडीशन और क्लोज्ड कंडीशन, मतलब ऑन ऑफ दो कंडीशंस हो गई। तो जो लेयर आपको देखनी है उसका बल्ब आपको ऑन रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला ये बल्ब वाला ऑप्शन है ये क्या है, ये आपको उस लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेयर अगर ऑन रहेगी तो आपको दिखेगी, अगर वो लेयर आपकी ऑफ रहेगी तो वो लेयर आपको नहीं दिखेगी। इसका मतलब लेयर को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए ऑटो कैड में इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे अभी हम डायमेंशन लेयर में काम कर रहे थे, तो ये ध्यान रखना है कि हम करंट लेयर को ऑफ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जीरो लेयर थी उसको मेक करंट बना दिया, वो करंट हो गई। अब इस डायमेंशन लेयर पे आएंगे, अब देखिए इस बल्ब को मैं क्लिक कर दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। जैसे बल्ब का कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो गया, तो अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो डायमेंशंस आपको दिखेंगी, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये डायमेंशंस आपको नहीं दिखेंगी। इसका मतलब वो पर्टिकुलर लेयर आपको कब दिखानी है कब नहीं दिखानी है यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। तो आयरन मैन में क्या होता है कि आपका जो ट्रीज है वो दूसरी लेयर में बनी हुई है,
और जो प्लान जो आपके बालकनी है और जो आपकी पार्किंग है वो अलग लेयर में बनी हुई है। जब आप 3D में बनाओगे तो ये लेयर आपकी 3D में भी काम करती है। तो अगर पूरी बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें आप वायरिंग और पाइपिंग ये सारी चीजें अलग अलग बना सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी ये बेसिक लर्निंग है। तो बेसिक लर्निंग में हम क्या देखते हैं, इसको यूज कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल लिया कि पहले 0 लेवल वाले में मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई, उसके बाद डायमेंशन वाले लेयर में मैंने कुछ डायमेंशन बनाई। तो पहला आपने देखा ये शो एंड हाइड के लिए। इसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। तो ये यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे एक सन बना हुआ है, सन बना हुआ होगा येलो कलर से, इस तरह से उससे लाइट निकल रही होगी। इसका मतलब क्या है कि वो अनफ्रीज कंडीशन में है, मतलब इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं ये। और इसके साथ साथ आपको क्या दिखता है, एक वो बर्फ जैसा जो सिंबल बर्फ बन के आता है जहां पे आइस होती है, उस तरह का ऐसे बर्फ का सिंबल आता है, उसको बोला जाता है फ्रीज। तो इसका मतलब ये जो दूसरा कमांड है वो हमारा किस चीज के लिए है, फ्रीज एंड अनफ्रीज के लिए। जिस लेयर को आप फ्रीज कर दोगे उसके ऊपर ऑटोकैड कोई काम नहीं करता। इसका मतलब अगर प्रिंट करोगे तो वो दिखेगा भी नहीं, अगर आपने प्रिंट कर दिया तो जो फ्रीज लेयर होगी वो कुछ नहीं दिखेगा। आप कहीं रेंडरिंग करते हो, रेंडरिंग का मतलब रियल जैसा भी वो आपको देखना है तो वो रेंडर भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये फ्रीज एंड अनफ्रीज है। अगर सूरज ऑन है इसका मतलब फ्रीज नहीं है, ये फ्रीज हो गया और अनफ्रीज हो गया। अगर ये सूरज दिख रहा है तो अनफ्रीज है, और अगर ये आइस जैसा बन गया तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो आइए हम अपने ऑटोकैड में देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे होना, ये देखेंगे। अगर इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये लेयर फ्रीज हो जाएगी, तो ना आपको दिखेगी, प्रिंट करेंगे कहीं प्रिंट भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसको फ्रीज एंड अनफ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रीज होने के बाद वो आपको दिखेगी भी नहीं, और एक तरह से समझ लो कि ऑटोकैड ने उसको अपने मेमोरी से आपके ड्राइंग में है लेकिन वो करंट मेमोरी से उसने क्या किया, हटा दिया। तो आप इसको आइस जैसा सिंबल बना हुआ है इसका मतलब फ्रीज, अगर सन बना हुआ है तो अनफ्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट आप जो है साथ के साथ लेके चल सकते हैं। इसके बाद अगले पे अगर हम आए तो यहाँ पे ताला बना हुआ है, ताला मतलब लॉक। इस लॉक की दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो आपका लॉक इस तरह से बना हुआ है और जो इसकी कुंडी है वो ऐसे इसमें लगी हुई है, और दूसरा इसकी कंडीशन है कि ये ताला आपका बना हुआ है और जो इसकी कुंडी है ये यहाँ से ऐसे बनी हुई है। इसका मतलब ये लॉक्ड है और ये अनलॉक्ड है। तो लॉक और अनलॉक का जनरल सी मीनिंग होती है, जिस लेयर को आप लॉक कर दोगे उस पर आप कोई काम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब एडिटिंग इज ब्लॉक्ड। इसका मतलब क्या है, ऑटोकैड में आके देखते हैं। अगर मैं डायमेंशन लेयर को मैंने क्या किया, यहाँ से लॉक कर दिया, फिर इसको करंट बना दिया, अब क्या है, अगर ये डायमेंशन लॉक है तो आप कुछ भी बनाना चाहोगे यहाँ पे जो है उस लेयर में जाएगा नहीं। डायमेंशन की जो लेयर है वो क्या है, आपकी लॉक्ड लेयर है, ठीक है। तो लॉक्ड लेयर में क्या होता है, लॉक्ड लेयर की आप एडिटिंग नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, लेयर अगर लॉक्ड हो गई तो आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते। तो जो आप काम करोगे वो किसी और लेयर में आपको करना पड़ेगा। तो जो लेयर लॉक है, लॉक और अनलॉक दो तरह से होती है। तो अगर इसको आपने लॉक कर दिया और इसको करंट बना दिया, इसका मतलब जिसको आप लॉक कर दोगे वो आपका डिम कलर से आ जाएगा और उसकी आप एडिटिंग नहीं कर सकते। इस पे आएंगे तो ये देखोगे इसके ऊपर लॉक दिखाएगा, आप कोई एडिटिंग का वर्क नहीं कर पाओगे। जब भी आप आओगे तो यहाँ पे कोई एडिटिंग वर्क आप उस लेयर के साथ नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास लॉक एंड अनलॉक का। इसके आगे आप देखोगे, मैं ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए इसको मैं थोड़ा सा जो लिख रखा है मैंने इरेज कर दे रहा हूँ, जिससे अगली लेयर के लिए भी लिखने के लिए मेरी जगह बन जाए। अब आप देखोगे इसके बाद हर लेयर के आगे यहाँ पे एक प्रिंटर बना रहता है। यहाँ पे ये देखोगे क्या है, प्रिंटर है। प्रिंटर का मतलब क्या है कि जिस लेयर को आप प्रिंट करना चाहते हो, कारपेंटर आएगा तो उसको केवल गेट ही चाहिए, जहां पे गेट है, जहां पे विंडोज है, जहां पे बेड है,
उसकी डायमेंशंस क्या है, केवल वही चाहिए। तो केवल आप उसको जो है कारपेंटर को कारपेंटर वाली चीजें दीजिए, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन वाली चीजें दीजिए। तो जो लेयर आपको प्रिंट करनी है वो आप पर्टिकुलर लेयर ही आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे जाओगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये लेयर प्रिंट में आएगी या नहीं आएगी। अगर आपका ये प्रिंट ऑन है, दो कंडीशंस होती हैं इसकी कि प्रिंट ऑन है या ऑफ है। अगर प्रिंट इसका ऑन है तो ये प्रिंट करोगे तो उसमें आएगा, और अगर नहीं प्रिंट, अगर लॉक्ड है तो ये प्रिंट में आएगा ही नहीं। इसका मतलब प्रिंट में क्या चीजें रखनी, जो चीजें नहीं रखनी है वो क्या हो जाएंगी, यहां से प्रिंट से हटा दो। तो जो चीजें दिखनी है और जो चीजें नहीं दिखनी है आप क्या कर सकते हैं, उसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। प्रिंट आपको किसका चाहिए और किसका नहीं चाहिए, जिसके आगे प्रिंटर बना होगा वो प्रिंट होगा, और जिसके आगे प्रिंटर लॉक होगा वो आपका प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब लेयर से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, प्रिंट कंट्रोल। जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सबकी जो है ड्राइंग्स एक ही में रहते हैं। अब उससे अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर का लेआउट किसी को देना है, सेकेंड फ्लोर का देना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, केवल फर्स्ट फ्लोर का ही लेआउट उसको प्रिंट दे दीजिए, सेकेंड फ्लोर से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप प्रिंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लेयर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, एक तरह से ये टूल बार है और ये हमारे लिए काम करता है कि क्या चीज शो करनी है, क्या चीज हाइड करनी है, कब क्या चीज रखना है और कब नहीं रखना है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लेयर कलर है, ये अभी वाइट दिख रहा है जो आपको, ये आप लेयर कलर बता सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको पता चलेगा अलग अलग लेयर का अलग अलग कलर होता है, जैसे ब्रिक का कलर, जहां पे ब्रिक होगी उसका कलर अलग होगा। ठीक है, जहां पे डायमेंशंस होगी उसका कलर अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से अलग अलग लेयर्स का अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो अब देखिए हम आते हैं अपने इस लेयर पे, तो इस लेयर में क्या होगा, आप अलग अलग कलर प्रोवाइड करके, मैं दिखाता हूं आपको। डायमेंशंस के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर यूज करते हैं। पीछे हमने जहां जहां भी यूज किया है वो किस कलर से था, ग्रीन कलर से था। तो यहां से मैं क्या करूंगा, डायमेंशन कलर को मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा और उसको कर दूंगा ग्रीन। जैसे ही आप ओके करोगे सारे डायमेंशंस का कलर ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम कलर्स डिसाइड कर सकते हैं कि अलग अलग लेयर का अलग अलग कलर होगा। अब देखिए इसके आगे आपका नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस। इसका मतलब जो लेयर में आपकी ड्राइंग्स बनी हुई है वो आपकी कंटिन्यूअस लाइंस होंगी या जो है डॉटेड लाइंस होंगी, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहां से लाइन टाइप कौन सा होगा, लाइन टाइप। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, लेयर्स का यूज करते हुए कर सकते हैं। लाइन वेट आप देखोगे, लाइन वेट में उसकी लाइन की थिकनेस कितनी रखनी है, तो आप लाइन का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइन का वेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, उस लेयर में अगर कोई हार्ड चीज है, ठीक है, तो अगर कोई हार्ड चीज है तो क्या करेगा, ओपेक भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो यहां से अभी 0% है, 0% को आप यहां पे क्लिक करिए, 0 से बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, 0% से बढ़ा के ये जो ट्रांसपेरेंसी है 0 to 90 का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे कितना परसेंटेज ट्रांसपेरेंसी चाहिए उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अलग अलग लेयर्स बना सकते हैं, नई लेयर बना सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो प्रिंट में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, और जो है अलग अलग लेयर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल कंट्रोल्स हो गए। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि हमारी लेयर का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट लेयर में हम क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इस लेयर को यूज कैसे करना है।
तो अभी इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा, अगले वीडियो में मिलते हैं।